ये देखो भाई कितना वजन लेगा, जंप लगा रहा, देखते हैं इस बार कौन लगा हुआ ग्रिप। 1 2 3 छोड़ दे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग कैनल। और गाइस व्लॉग की स्टार्टिंग में दिखा दिया रॉक्सी वाला पप्पी, ये अब बिल्कुल ठीक है। ये देखो भाई कैसे मस्ती कर रहा, सारे डॉग्स को परेशान कर रहा और उछल कूद भी कर रहा, और ना इसने उल्टी करी ना दस्त करे, बिल्कुल ओके हो गया। कल एक बार को टेंशन हो गई थी अगर इसका पारो वायरस हो जाता, सारे के सारे पप्पी इसका पारो वायरस हो जाता, जा खेल ले। अब भाई एक बार इन सभी को खाना वाना खिलाता हूँ। सारे डॉग्स खाने के इंतजार में बैठे, चिंकी को देखो भाई कैसे बैठ गई, चिंकी भूखी लग रही। और गाइस जोरा और कोको को सामने केज के अंदर बंद कर दिया था। नीचे जो एक रॉक्सी की फीमेल बच रही इसके साथ की, उसके साथ अभी मिलवाने का नहीं, डॉक्टर ने मना कर रखी, 3-4 दिन अभी मिलवाना नहीं बिल्कुल भी, तेरे के लग गए मुंह पे। हटा 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 अगर इसने खाना खाकर उल्टी कर दी फिर थोड़ी दिक्कत है। तो गाइस अभी रॉक्सी की फीमेल पप्पी को भी खाना रख दिया और गाइस बिल्कुल आराम आराम से खा रही। जब इसके साथ और पप्पी से रहते फिर तो पूरी तेजी से खाया करती है, बेचारी का कल से जी नहीं लग रहा, अकेली रहेगी ना। और गाइस सोच रहा थोड़ी देर में इसके ओनर को देता हूँ, जहाँ पे बुखोरी उन्हें कॉल करता हूँ, लेकर चले जाएंगे वहां जाकर इसका जी भी लग जाएगा बढ़िया। बात तो सही है। सामने पौवे ने लगवा दी ब्लैकिंग की ग्रिप, गर्मी वैसा हो रही, ब्लैकिंग छोड़ दे। और भाई उठने का भी तो नहीं। और गाइस रोक को देखो कैसे बैठा, बिल्कुल आराम से बैठ गया। अरे भाई आ रही फीमेल को लेना, रॉक्सी वाली फीमेल को लेना। तो गाइस अभी रॉक्सी के फीमेल पप्पी का जाने का टाइम हो गया, भाई लेकर जान लग रहे, बीच बीच में सभी मिलवाते रहेंगे। सिम्बा देख रहा नो, कह रहा कहां लेकर जाओ मेरी बच्ची को, छोड़ दे एक बार नीचे छोड़ दे। और गाइस कोशिश करूंगा इस बार जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे सारे पप्पी से सिम्बा को मिलवाने की। चलो भाई ठीक है नन्नी मुन्नी, बाय 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 बाय। और गाइस अब एक बार स्विमिंग पूल में जाने की सोच रहे, पौवा 2-3 दिन से चिपट रहा स्विमिंग पूल में, लेकर चल चले अर्धा तो डूब गया। तो गाइस आ गए फाइनली स्विमिंग पूल में, पोगे नाला नहीं नाला तू, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं, बूंद तो है पर उस वाले कोने में है, वहाँ है बस पानी थोड़ा सा, पोगे नहाता हूँ वहाँ नाले, डूबने का ना तू यहाँ, फिर किसने बचा इस साइड, पूरा गहरा पानी है, मेरे भी सिर के ऊपर को आ जा। खैर क्या कर सके इसमें तो पानी है ही नहीं। चल भाई पोवे परसों को आऊंगे। और गाइस सामने चल रही शूटिंग, ये रखे ने के धनुष पोवे लाई एक ठग लो, अरे लेगा अरे कोई ना देख रहा जल्दी, अरे नहीं कहने कुछ भी चलिए, अरे लेखा से अच्छी है देखे तो सारे तीर काट लग रहे वहाँ रास्ता नहीं। A few inches later. तो गाइस शाम होगी, पीछे सारे मस्ती कर रहे, चिंटू बीच में लौट रहा, अब थोड़ी बहुत देर में रोक को लेकर चलूंगा घूमने। तो गाइस अभी रॉक्सी के पप्पी को नीचे लेकर आ गया, रॉक्सी का बिचारी का मन नहीं लग रहा था, वैसे तो ऊपर आ जाती बार बार इससे मिलने के लिए। इस वाले पप्पी को मैं अभी सेल नहीं करने का, थोड़े बहुत दिन अपने पास रखूंगा। वैसे तो भाई रॉक्सी ने दूध नहीं पिलाती, बच बच का भाग गए, बट भाई फिर भी लगाव तो पूरा करे है तो इसका बेटा ही। रॉक्सी प्याले ने दूध प्याले ले, दूध प्याले से तेरा ही तो बेटा है, ले प्याले प्यालिए थोड़ी सी देर प्याले बस नहीं। कुछ भाई रॉक्सी की भी गलती नहीं है, इसके नीचे दूध रह ही नहीं रहा, रॉक्सी इसीलिए बच बच के घूमे थी इनसे, ये बार बार इसका दूध पीवे थे ना, अरे ऊपर से नीचे कूद गया रॉक्सी ऊपर जाली, अरे रॉक्सी प्याला ना थोड़ी सी देर प्याला बस थोड़ी सी देर, ओए 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 इसने तो भाई मुझे डरा दिया, थोड़ी सी देर प्याला है तेरा ही पिल्ला है, प्याला प्याले थोड़ी सी देर प्याले ढूंढ ली उसने जगह बस प्याला प्याले। और गाइस मेरे ऊपर एग्रेशन नहीं कर रही, इसके ऊपर एग्रेशन कर रही, वो नीचे लग गया बस बस थोड़ी सी देर प्याला, 2 मिनट तो प्याला है, बेचारा गुस्सा हो जाएगा, कल इसका पारो वायरस हो गया था ना, बस बस प्याला है। ये पता नहीं रॉक्सी के नीचे दूध रह भी रहा या फिर वैसे ही लग रहा, अरे रॉक्सी प्या लेती ना नहीं। और गाइस रोक को देखो कैसा मेरा बाहर गेट में इंतजार कर रहा, हाँ रोकू घूमने चलेगा, इसका घूमने का टाइम हो रहा ना, चले रोकू घूमी करण चले चलेंगे रोक। और गाइस आज एक काम करता हूँ, ब्लैकिंग को भी लेकर चलता हूँ रोक के साथ, अरे रोकू रोक ने तो भाई पट्टा ही पकड़ लिया, नो कह रहा रोक मैं लेकर चलूंगा, अरे अरे इन्होंने तो भाई पट्टे में ग्रिप लगा ली, एक साइड ब्लैकिंग एक साइड रोक, अरे वॉचिंग की भी लगी, रोकू घूमी करण चलेंगे, अरे अरे मेरे हाथ में झटके मार दिए उन्होंने तो, रोक और ब्लैकिंग दोनों के दोनों एक से हो रहे, और यह चिंकी भी नहीं जैसी हो रही, चिंकी भी बीच में लग गई रॉक्सी वाली पीछे से, रॉक्सी के बाहर आते उसका पिल्ला भी बाहर आ गया, आके जूली वाले पप्पी से मिल रहा। तो गाइस अभी सीन बन गया, रॉक और ब्लैकिंग को लेकर बाहर ही आए थे, इतने मो सिम्बा का बच्चा इस साइड को भाग गया और पूरी स्पीड से गया निकल गए, दूर से दूर तक कहीं नहीं दिख रहा। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे सिम्बा को लेकर, बस भाई मुझे पता कैसे कैसे लेकर वहां पर डॉग्स मजा का फंस रहा था, अब उसे लेकर और एक से देखो ब्लैकिंग को खुद ही ग्रिप मार कर लग गया। अब भाई थोड़ी बहुत देर इनके ग्रिप लगवाता हूँ, अगर टाइम रहा तो खेत में चलेंगे वरना कल को लेकर चलेंगे, सारा मूड ऑफ हो गया, शायद सिम्बा को यह लगा कि अमान लग रहे उसके पीछे पीछे इसीलिए भागा, वरना भाई वैसा नहीं जाता वो घर से बाहर, आज उसने पहली बारी करा ऐसा, वो तो भाई शुक्र है बच्चों ने बता दिया कि दूसरे इलाके में फंस रहा, वरना भाई हम तो सारे में को ढूंढते ही रह जाते। और गाइस ब्लैकिंग के पैर देखो रोक की बिल्कुल छाती पर रख लिए, रोक से ऊपर ग्रिप लगा रखी, अरे वाह। और गाइस ब्लैकिंग का भी नीचे ग्रिप नहीं लगाता, चाहे इसके साथ कोई सा भी डॉग ग्रिप लगा लो हमेशा ऊपर ग्रिप लगाऊंगा सबसे,
ये देखना भाई कैसे लटक रहा हूँ। और गाइस अब मैं ब्लैकिंग को दिखाना बहुत कम कर दूंगा, बस ये है कि बीच बीच में कभी कभी दिख जाया करेगा। कुछ भाई रेड किंग के आखिरी निशानी मेरे पास यही बच रहा, इसके साथ के सारे पप्पीज की डेथ होगी। ब्लैकिंग बस शांत हो जा, ओए शांत हो जा, बस बस बहुत देर ग्रिप लगा ली, हट जा ब्लैकिंग, हटिए, ओए हट जा हट जा हट जा, नहीं हट जा, अक्की कान में फूक मारिए 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 मारिए, हट गया ब्लैकिंग, अभी थोड़ा छोटा है ना, कान में फूक मारते हट जा, 1 2 3 छोड़ दे छोड़ दे, देखते हैं रोक से ऊपर ग्रिप लगा हुआ या फिर नीचे, भाई साहब ऊपर जाकर टंग गया, और गाइस ये देखो कितनी ऊपर जाकर टंग गया, अरे वाह, बस ग्रिप ग्रिप नहीं, इसकी सारी की सारी हरकत ऐसी है बिल्कुल ही अजीब गरीब, ऐसी हरकत मैंने किसी डॉग की देखी नहीं। देखते हैं इस बार कहाँ लगा हुआ ग्रिप, 1 2 3 छोड़ दे, अरे वाह ऊपर जाकर टंग गया, इस बार उस वाले कोने में ले जा, बिल्कुल कोने में से छोड़िए, रुक जाइए जी मकम्मा, 1 2 3 छोड़ दे, चल चल चल, ओ पुत्री पुत्री, रोक के ऊपर कोई निकल गया। और गाइस ब्लैक किंग के कान कभी कभी खड़े हो जावे, ये देखो भाई अभी तो एक कान खड़ा हो रहा, कभी कभी इसके दोनों कान खड़े हो जा, अरे अरे इतना बड़ा तो ये भी नहीं जितनी बड़ी इसके गले में संकल डाल दी, बट भाई फिर भी कोशिश पूरी कर रहा, ओए चोट ना लगवा लिए, ओ भाई साहब ये देखो भाई कितना वजन लेके जंप लगा रहा, यह संकल 6 किलो की है, ये देखो भाई जंप लगा रहा, ग्रिप भी लगा ली, इसे नहीं भाई फर्क पड़ता, कभी कभी तो इसे देख के बिल्कुल रेड किंग की याद आ जा। और गाइस साइज में छोटा इसलिए रह गया, एक तो इसका बचपन में पारो वायरस हो गया था, पारो वायरस हाइट को रोक दे। और गाइस आज बस लास्ट बार दिखा रहा ब्लैक किंग को, इसके बाद नहीं दिखाने का, मतलब दिखाऊंगा तो, बट भाई इसकी हरकत बाजी नहीं दिखाने का, पीछे जूली वाले पप्पीस को देखो कैसे बैठ कर सो देख रहे, हाँ भाई मजा आ रहा सो देखने में। तो गाइस अभी ब्लैक किंग को भी शांत कर दिया, बहुत देर से ग्रिप लगा रहा था। और गाइस अब एक बार सोच रहा रोको खेत में लेकर चलता हूँ, वैसे तो थोड़ी बहुत देर में देरा हो जाएगा, बेचारे को बीच रस्ते में से लिया था ना, बार बार बाइक के पास आकर हो रहा था खड़ा। गाइस आ गया फाइनली खेत में, और गाइस मुझे पता बस कैसा कैसा, इसे देखो भाई चिंकी को कैसे लाना पड़ा, चिंकी को समझ आ गया अगर बाइक पे बैठी रहेगी सेफ रहेगी, नीचे उतरते ही डॉग्स पाड़ देंगे इसे। और गाइस आज शाम के टाइम इतने सीन बने ना मेरे साथ, पहले तो सिम्बा भाग गया, सिम्बा को डॉग्स ने दाब लिया, अभी से चिंकी को दाब लिया था डॉग्स ने, वो तो भाई माधी चीज दिखा नहीं पता यूट्यूब पे, वरना भाई ना खेत तक लाने में भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल से लेकर आना पड़े। कुछ भाई हमारे गाँव में इतने पागल डॉग हो रहे ना हद से ज्यादा, कल भी एक डॉग की डेथ हुई पागल लोग, इसलिए भाई थोड़ा सा डर लगे अगर किसी पागल डॉग ने पकड़ लिया दिक्कत हो जाएगी, चिंकी तो बेचारी है भी छोटी सी, थोड़ी बहुत देर में देर हो जाएगा, घर पे लेकर चलूंगा, सामने का व्यू देखो भाई क्या टोपा रहा। और गाइस रोक बिल्कुल परेशान हो गया था, इसीलिए खेत में लेकर आए, बार बार कभी बाइक के पास जा रहा, कभी मेरा आके खुद दे मार रहा, हम इसे बीच रस्ते में से लेके थे ना, सारा मूड ऑफ हो गया था इसका बेचारे का, सभी को पता रोक का घूमना कितना फेवरेट है, रोज शाम के टाइम घूमने की आदत है इसे। छोटे पैकेट को लेकर बहुत कमेंट आ रहे थे, छोटे पैकेट की तबीयत कैसी है, छोटा पैकेट बिल्कुल ओके है, घर पर चलकर दिखाऊंगा क्या कंडीशन है उसकी, वरना भाई कल तो एक बार को टेंशन होगी, तिरोक्सी वाले पप्पी का पारो वायरस हो गया, छोटे पैकेट का टिक फीवर हो गया, एकदम से दोनों खतरनाक बीमारी आ गई, टिक फीवर और पारो वायरस डॉग्स में सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, और एक डिस्टेंपर 3 बीमारी। तो गाइस आ गया फाइनली घर पर रोक को लेकर, और गाइस घर पर अपना छोटा पैकेट मिल गया, बेचारा थोड़ा सा कमजोर हो गया, और एक से देखो अपनी जूली रानी को पप्पी इसको दूध लग रही प्याण, चलो भाई चलो लग जाओ, थोड़ी देर पहले रोक्सी वाला पप्पी जूली के नीचे लग गया था, और ये भी उसे दूध पिला रही थी बहुत आराम से, रोक्सी तो पिलाती नहीं बट भाई जूली अभी तक दूध पिलावे ने। और गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,